हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ डॉक्टर स्नेही शर्मा और मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर योर बिलीफ एंड ट्रस्ट इन अस. व्हेन यू आर विजिटिंग आर डेंटल क्लिनिक, यू आर ट्रूली इन बेस्ट हैंड्स. काफ़ी क्वेरीज आई हैं फॉर रूट कनाल ट्रीटमेंट, सो आज का टॉपिक है RCT. अगर आपके दांत काले हो गए हैं बिकॉज ऑफ कैविटी फॉर्मेशन, आपको उनमें पेन हो रही है या कोई पस डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपके दांत टूट गए हैं बिकॉज ऑफ एन इंजरी, अगर आपके दांतों में एट्रिजन है, सेंसिटिविटी है जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहे हैं, मतलब उन दांतों की नस इन्वॉल्व हो चुकी है और उनको ट्रीट करना ज़रूरी है, इसी ट्रीटमेंट को हम रूट कनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं. एक टूथ में तीन लेयर्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प. पल्प दांत के सबसे इनरमोस्ट लेयर को बोला जाता है और अगर ये आउटर एनवायरनमेंट से एक्सपोज हो रहा है तो इसमें इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं. विद इन RCT वी आर बेसिकली ट्रीटिंग द पल्प ऑफ योर टूथ. एक पल्प में ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होते हैं, जिसकी वजह से टूथ में वाइटैलिटी आती है. इस वाइटैलिटी के वजह से ही इन्फेक्शन होती है और हम इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं. रूट कनाल ट्रीटमेंट 2 to 3 सिटिंग्स की होती है. अगर टूथ में इन्फेक्शन ना हो तो सिंगल सिटिंग में भी की जा सकती है. फर्स्ट सिटिंग में आपको एनेस्थीजिया दिया जाएगा. एनेस्थीजिया देने के बाद इस पल्प को हम ट्रीट करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स एंड ऑल्सो कोई मेडिकेशन भी डालते हैं. अगर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है तो साथ में एंटीबायोटिक्स चलाए जाएंगे एंड इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ सिटिंग्स डिसाइड होता है. वंस योर टूथ इज़ इन्फेक्शन फ्री, तब हम लोग इसमें एक परमानेंट फिलिंग कर देते हैं. एंड क्योंकि आपका टूथ नॉन वाइटल हो चुका होता है, मोस्ट केसेस में एक रूट कनाल के बाद उस टूथ के ऊपर एक क्राउन देना ज़रूरी होता है. इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन, इफ़ यू आर स्टिल स्केप्टिकल अबाउट गेटिंग योर रूट कनाल ट्रीटमेंट डन, कम विजिट अस, टॉक टू अस एंड आई एम श्योर आई विल बी एबल टू गिव यू द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल. थैंक यू.